बातन बातन मन ही रिझाई सत जनी घाल सिकोल की राम बियोधन ओब रसी शरण विष्णु अजीश। पत्रिका भी लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी आगिन में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सब कुछ सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपेश भी लक्ष्मण बागी ब्लास्ट करता है, डिंग हाँकता है, डिंग हाँकता है।